अच्छा बाबू बताओ इंग्लैंड कैसा आए मैं इंडिया से बाईसी सी लंदन आया नाइन्टीन सिक्सटी टू पच्चीस अप्रैल को मैं लंदन पहुंचा उस टाइम मेरा यहाँ कोई जान पहचान नहीं था एक सरदारा नाम का आदमी था जो सिंगापुर से आया हुआ था उसका नाम मैं जानता था उसको मैं लेटर लिख कर उसका उसको पूछा वो बोला आ जाओ कोई बात नहीं फिर मैं बाईस से आया बहुत तकलीफ़ हुआ रास्ते में क्योंकि इंग्लिश आती नहीं थी और कोई जान पहचान नहीं था इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हुआ इसलिए वकील था मैं विक्टोरिया पहुंच गया वहाँ किसी आदमी से पूछा कि मैं यहाँ जाना है उस आदमी ने मेरी मदद किया और टैक्सी बुलाकर और उसको टैक्सी वाले बोला कि इसको फला जगह ले जा छोड़ दो उसने में 114 सौ चौदह उल्डन साल साल में आया और वहाँ करीब एक हफ्ता रहा और एक, एक हफ्ते के बाद हमको उसने ले जा के नाइल में फोटिस में फोर्टी में नौकरी लगा दिया रात को इंग्लिश तो आती नहीं थी वहाँ दो लेडीज काम करती थी कैटिन थी लोग चाय पीते थे मेरा काम था थाबल से कप और पेड़ ले आना धोना सफ़ाई करना इसी तरह मुझे वहाँ एक महीना बीता बदकसमती एक महीने के बाद वो केटिंग बंद हो गई मगर वहाँ का इंचार्ज बोला कि हमारे पास जगह है कि कंट्री में अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो कंपनी वही थी मैं चला गया फिर वहाँ लगभग एक साल रात को काम किया बड़ी मेहनत करके और थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखा वो मैनेजर मेरे काम से बहुत खुश हो गया खुश हो गया तो वो हमारे जो केटरिंग इंचार्ज थे उनसे बोला भाई आदमी हमको दे दो तो मेरे पास वो आया तो मैंने कहा साहब मुझे इंग्लिश आदमी नहीं हमको ले जा क्या करोगे तो उसने जवाब दिया कि मुझे इंग्लिश ज़रूरत नहीं मुझे काम की ज़रूरत है तुम्हारे पास चलो उनका ठीक है वहाँ गया तो हमको वहाँ इंचार्ज बना दिया दस बारह लोग वहाँ काम करते थे जो कुछ तो ये काले थे और कुछ उसने गोरे थे मगर इंडियन कोई नहीं था वो मैनेजर ने मुझे इंचार्ज बना दिया और जो लोग वहाँ काम करते उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक, एक इंडियन आदमी आकर हमारे ऊपर इंचार्ज हो और वो नौकरी छोड़ने लगे मैंने अपने मालिक से कहा मैनेजर से कि सब नौकरी छोड़ चले जा रहे हैं उनसे काम कैसे चलेगा तो उन्होंने कहा तुमको अपना आदमी नहीं मिलते हैं मिलेंगे हम कहा अपने आदमी बहुत मिलेंगे उसने कहा बस जो तो आदमी रखो और उसी तरह उस टाइम इंडियन या लेडीज़ बहुत कम थे फोर्टी के अंदर लेकिन धीरे 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 बहुत आदमी में कर फोर्टी में डाल दिया मेरा ख़्याल करीब दो सौ करीब दो सौ आदमी करीब फोर्टी में रखा हुआ उसके बाद, बाद में फिर ए, फ्लाइट कैटरिंग खुली फोर टू में जिनको कहते फोर्टी फ्लाइट कैटरिंग लिमिटेड फिर हमारी कंपनी ने हमको वहाँ ले आया और वहाँ फिर हम 1964 सिक्सटी फोर से ए, या 1964 फोर से लेकर नाइनटीन एटी सेवन जून तक काम किया इसके अंदर बहुत काम हुआ फैमिली बुला लिया और बच्चों को शादी विवाह किया बहुत मेहनत किया बीस बीस घंटा काम करके मैंने किया और कंपनी वाले हमसे बहुत खुश थे बहुत मानते थे हमको लेकिन जब एट्टी सेवन में मैंने सोचा कि नहीं अब बहुत दिन नौकरी कर लिया और मेरी उम्र काफ़ी हो गई है अब थोड़ा हमको इंडिया का भ्रमण करना चाहिए और मैं अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट किया प्रार्थना किया बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमको छुट्टी दे दिया और 1987 30 जून को मैं रिटायर हो गया लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ बच्चे सब आ गए थे चार बच्चे वाइफ तो बेटे के बड़े बेटे के चार बच्चे थे तीन बेटी एक बेटा और लोग बड़े हो गए छोटे तो बेटे के दो लड़का एक लड़की थी आप क्यों आए हैं लेकिन बाबू आप आ, आ, में दाव दाव है, हाँ। मत, अब पर इसको बता देने से बताता हूँ मैं उस बड़ी लड़की थी उसको पांच बच्चे तीन बेटा और दो बेटियाँ वो सब बड़े हो गए शादी बात किया उसके बाद छोटी लड़की थी उसके पांच बच्चे थे तीन बेटे दो बेटियाँ वो लोग करीब लगभग शादी हो गई दो एक बाकी है अब भैया हमारे आने कारण की श्रृंगार यहाँ मैं धनम आया कैसे तो मैं पहले सिंगापुर में था और सिंगापुर में मेरा पासपोर्ट मैं ब्रिटिश था मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट वहाँ बनवा लिया था तो सिंगापुर जब मैं वहाँ था तो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी लेकिन 1961 में ब्रिटी कप्तनी वहाँ मतलब हो गई वो आज़ाद हो गया वो देश सिंगापुर तो उसके बाद मेरा दिल नहीं कहा वहाँ रहने का और क्योंकि एक मेरा लड़का था उसको मैं सिंगापुर ले गया वो लोग रहने नहीं दिया इसलिए मुझे वहाँ से नफरत हो गई फिर वहाँ ब्रिटिश हाईकमान के पास गया कि मैं कहाँ जाऊँ मैं यानी तो उन्होंने कहा कि भाई इस टाइम मेरे पास तीन कंट्री है इंग्लैंड और क्या नाम हांगकांग और नहीं बेटा तुम्हारा तो नाम नहीं आता okay. बहुत दूर है सर किसी कंट्री का नाम नहीं आ रहा बेटा इस टाइम उस कंट्री मुझे नाम नहीं आ रहा लेकिन वो भी बेटी काम था तो उन्होंने कहा कि भाई इस तीन जगह में जहाँ तुम तो जाना चाहते हो जा सकते हो तो मैंने लंदन आना चूज़ किया मगर बात यह थी कि हमें उस टाइम गड़ी थी मेरे पास पैसे पूरे नहीं थे और मैं किसी जानता नहीं था लेकिन वो किसी इंक्वायरी करते हुए कर आदमी पाया इसीलिए मैं फिर मेरे पास पैसा न होने का कारण से मैं सिंगापुर से पानी जहाज से इंडिया आया इंडिया में एक महीना अपनी कंट्री में रहा अपने गांव में और उसके बाद वहीं से मैं पानी जहाज कटा लिया था बम्बई टू लंदन नाम तो था मुंबई तो लंदन लेनी उन्होंने फ्रांस में उतार दिया था काफ़ी दिक्कत है लेकिन खैर मैं लंदन आ गया और यहाँ आकर फिर काम धाम करने लगा सीखा और बड़ी मेहनत किया इंचार्ज बन गया यहाँ तक तो हमारी कंपनी ने हमारे ऊपर होके हमको जनरल मैनेजर बना दिया और अच्छी लाइफ रही बाद में तो पहले तो बहुत तकलीफ़ हुई और फिलहाल अभी भी मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ क्योंकि हमारे बच्चे सो यहाँ हैं तो दो चार महीना और दो चार महीना इंडिया में पैदा टाइम पास कर रहा हूँ और उम्र इस ट्रेन नाइन्टी वन ईयर की हो गई है तो शरीर जो थोड़ा ढीली ढाली हो गई है तो देखे कब तक चलता है आगे तो बहुत सी बातें हैं करने को क्योंकि यहाँ बच्चों की शादी को हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे यहाँ शादी करें तो लड़की अपने लड़की अपनी लड़कियों को शादी तो कर दिया मैं इंडिया में ले जा करके वहाँ से बहू ले आया और दिमाग ले आया लेकिन उसके बाद जो बच्चे हैं वो सुनते नहीं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी की शादी कर रहे हैं लेकिन फिर फिलहाल फैमिली बहुत हैप्पी है और मेरे अकेले आने से के बाद इस टाइम लगभग मेरी फैमिली फैमिली करीब लगभग पचास आदमी के हैं अरे भाई <laughs> <laughs> और सब बहुत खुशहाल है सब अच्छी अच्छी करते हैं और दो एक लड़के हैं जो बिजनेस करते हैं छोटा मोटा और सब बहुत ठीक ठाक है बाबू आपके सभी लोग आपके इंग्लैंड के आने के पूछे थे लेकिन हम आपके बचपन के कुछ न जानते हैं इंडिया में आपके बचपन बताए आप हम सुनना अच्छा अब आगे, आगे मेरा लड़का हमसे पूछना चाहता है कि आपके बचपन कहानी बताओ तो बचपन ऐसा है कि मैं अलावलपुर में सुल्तानपुर में एक गाँव अलावलपुर है वहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ दो पाँच छः साल तक तो वहाँ बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं इधर उधर धक्का खाते खैर उसके बाद मैं स्कूल गया स्कूल में मैं दो साल पढ़ा लेकिन मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगा दो साल से तो वो टाइम मेरी उम्र करीब ग्यारह साल की थी तो मुझे वहाँ स्कूल अच्छा नहीं लग रहा था मेरा मेरे माँ बाप या हमारा बड़ा भाई था बोलता स्कूल जाओ मैं बोला स्कूल नहीं जाता वो लोग बहुत फोर्स करने लगे तो मैं घर से भाग गया उसके बाद हमारे पिताजी का कताब रहते वहाँ चला गया उन्होंने किसी तरह एक साल हमको वहाँ रखा लेकिन वो तो नहीं चाहते मैं वहाँ रहूँ कि जाके गांव में तो पढ़ूँ और हमको गांव भेज दिया इस करते करते उम्र कुछ और हो गई उस टाइम हमारे देश में शादी बहुत जल्दी हो जाती थी हमारे बड़े भाई साहब ने क्या किया जब मैं तेरह साल बाद साथ शादी कर दिया शादी कर लिया खैर उधर धक्का खादा रहा कहीं भागा कहीं यहाँ गया बड़ी लंबी कहानियाँ हैं ये बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा बाद में मैंने घर से हमारे फिर एक बहुत जल्दी एक बच्चा पैदा हो गया मेरा ख्याल टाइम मेरी कोई उम्र साढ़े सोलह साल की थी और वो भी दो ढाई साल के बाद वो एक्सपायर हो गई थोड़ी तकलीफ़ हुई तो मैं फिर लाहौर चला गया लाहौर चला गया वहाँ मैं नाइन्टी फोटी वन में लाहौर गया था तो एक छोटी मोटी नौकरी मिली मैं दो हफ्ता नौकरी किया लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई क्योंकि मैं जात का ब्राह्मण था और टाइम बचपना था वहाँ नौकरी किया वो बोलते हैं पानी पिलाओ ये इसको धो उसको धो तो मुझे पसंद नहीं आया जब मुझे पसंद आया तो वैसे नौकरी छोड़ चला आया हमारे बड़े भाई साहब थे वो नाराज है भाई तुम तो क्या करोगे हम कहा मैं ऐसा काम तो नहीं कर सकता वो गुस्सा हुआ मैं चूल्हा उसके बाद फिर मैं पान बेचने लगा हमें किसी सलाह दिया पान बेचने लगा और पान बेचने में मानी अच्छी कमाई हमारी होने लग गई यानी जो लोग नौकरी करते थे उससे कभी पाँच मना हमारी कमाई अच्छी थी और हमारी बड़ी अच्छी लाइफ रहने लगा हमको रहते फिर हमारे बल्कि भतीजा गया हमारे पास रहा वो भी कुछ रहा और ऐसे ऐसे दिन बड़ा अच्छा दिल बीता लेकिन हमको ये नहीं पता कि पाकिस्तान बन जाएगा क्यों मुझे मालूम नहीं कि हिंदू मुसलमान क्या कहते हैं हम तो सब एक तरह समझता थे एक तरह रहता था यहाँ तक तो हम जहाँ रहता था मुसलमान था और हमको बहुत मानता था तो लोग तो सब भगवान मच्छी लेकिन मैं नहीं भागा और नतीजा ये हुआ कि चौदह अगस्त को आज़ादी हो गई पाकिस्तान बन गया अब जब पाकिस्तान बन गया तो जहाँ मैं बड़ी वहाँ लड़ाइयाँ बहुत ही बहुत खून खराबा हुआ लेकिन मुझे कोई पता ही नहीं था क्यों मैं जहाँ रहता मत था हमको कोई बोलने वाला नहीं चाहने वाला बट आखिर में जब आज़ादी हो गई सुनता था लोग मैं देखा नहीं कुछ बाहर निकलता नहीं था वहाँ रहता मरता रहता था, था। तो ये हुआ यहाँ हुआ फलाना सुनता रहा लेकिन जो आदमी था वो जो मुसलमान था वो अफगानिस्तान का रहने वाला था बिजनेसमैन था बड़ा आदमी था उसके बच्चों से हमारा बड़ा प्यार था हमदोली थे हम लोग कई लेकिन वो जो माली था वो बुज़ुर्ग थे तो हमसे बोले बेटे तुम्हें मालूम कि बंटवारा ये, ये हो गया ये पाकिस्तान बन गया फिर क्या हुआ तो बोलता नहीं बेटे तुम्हें तो करना पड़ेगा तुम शादी किए हो मुझे मालूम तुम्हारी शादीशुदा हो इसलिए तुमको एक बार इंडिया चले जाना चाहिए और वहाँ जाने के बाद जो मन सोचना फिर मैं <coughs> सोचता रहा लेकिन मेरा भी दिमाग नहीं करता करता था ये सब सुन करके फिर उन्नीस अगस्त को मैं वहाँ से अगस्त से माली ड्राइविंग उन्नीस अगस्त को मैं वहाँ से किसी तरह आया यहाँ अटारी में जहाँ लोग आके सब इकट्ठा हुए थे अच्छा तो वहाँ उसने छोड़ गया वहाँ फिर मैं पाँच छः दिन पता रहा मेरा नंबर ही नहीं आया पाँच छः दिन के बाद नंबर आया तो गाड़ी मिली फिर उसकी तरह भी हम लोग किसी तरह अपने घर पहुँच गए बड़ी लंबी कहानियाँ हैं ये सब बताने में तो मेरा खास सारा दिन बीत जाएगा फिर घर आया घर आया आप जानते हो कि मैं हम हम जा बरामद हमारे यहाँ खाने पीने का बड़ा वो था और मैं बाहर रहता था कुछ खाता पीता था फैमिली वाले पसंद नहीं करते थे तो मैंने फिर घर छोड़ दिया फिर कलकत्ता आ गया कलकत्ते में फिर नौकरी करने लगा तो दो तो तीन बार घर भी आया गया वहाँ पे उनकी नौकरी करता था पेड़ थोड़ी मिलती थी गुजारा होता था फिर संजोक बस से हमारा कोई हमको कोई हमारा रिश्तेदार सिंगापुर में मिला हमको पता लगा कि हमारा रिश्ते सिंगापुर आया है फिर उसको मैं चिट्ठी देना शुरू कर दिया पहले तो बहानाबाजी करता रहा तीन महीना तो बहानाबाजी करता भाई रोज एक लेटर डालता था आखिर में उन्होंने तंग आ करके फिर उन्होंने वहाँ का क्या है वो एक भेज दिया उससे हमारा पासपोर्ट पासपोर्ट बन गया लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ पासपोर्ट तो बन गया मेरा कोई दोस्त था उसके साथ घूमने गया और झगड़ा हुआ और लोग माँ थैला छीन लिया उसमें पासपोर्ट था तो उससे बहुत दुखी हुआ यहाँ तक दुखी हुआ मैं तीन दिन रोटी नहीं खाया लेकिन वो लड़का जिसके साथ गया था वो अमीर का लड़का था उसके पिताजी को बात पता लगी तो हमको बुलाया बोला बेटा क्या बात तुमका तो सभा ऐसे ऐसे है फिर वो पासपोर्ट में गया उसका वहाँ पहचान था जिसका नाम मोहन बाबू था तो उन्होंने सारी कहानी हमसे पूछा पाँच के बोले अच्छा बेटा तू चिंता नहीं करो और सब फार्म वार्म भर के बोलते मैं तुम्हें दुबली के पासपोर्ट बहुत जल्दी बना दे दूँगा तो मैं उस टाइम इंडिया जाने भी चाहता उसने बोला जाओ तो इंडिया के बाद जब आओगे एक महीने के बाद तुम्हारा पासपोर्ट तैयार रहेगा लेकिन वो लोग अच्छे से ऐसे हुआ जब इंडिया से आया तो पासपोर्ट बना था पासपोर्ट मिल गया फिर मेरे पास किराया नहीं था वो ट्रेन एक सौ अट्ठाईस रुपया पानी जहाज किराया चाहिए था मेरे पास था नहीं मैं बड़ा परेशान रहा तू तो अपने रिश्तेदार को कहा तो वो लोग सौ रुपया हमको भेज दिया लेकिन अब एक सौ अट्ठाईस रुपया इकट्ठा करने अट्ठाइस रुपया चाहिए खैर नहीं मैं दो तीन महीना इधर उधर करके पला रहा किसी को तो पानी जहाज का टे डूबू इसलिए मैं पानी जहाज से थिंगा भर गया और सिंगापुर नाइन्टीन फिफ्टी थ्री में सिंगापुर में गया मुझे आज तक तो याद है कि मैं छः मार्च को सिंगापुर पहुँचा अच्छा और फिर वहाँ की लैंग्वेज बड़ी वो थी और मैं तो हिंदी भी दो किताब पढ़ा हिंदी भी टाइन थ्री से जानता था तो लेकिन वहाँ फिर मैंने उन लोगों से कोशिश करके एक किताब ले लेता एक थोड़ा मलाई दूसरा थोड़ा हिंदी इसी थोड़ा मैं निर्भर से लगा रहता था करीब पंद्रह बीस दिन लगा रहा है थोड़ा सा दर्द जाने लगा तो हमारे रिश्तेदार ने कहा कि ये इस, इससे काम नहीं चलेगा अभी तुमको सीखना पड़ेगा लेकिन मैं अपने घर की कहानियाँ जानता था घर पसंद पड़े तो मैंने उनको कहा भाई हमको हर हाल में कोई नौकरी लगवा दो खैर उन्होंने किरपा किया अभी ले जागर नाइट में पेट्रोल पे काम लगा दिया वहाँ का तो मैं करने लगा काफ़ी तकलीफ़ हुई काफ़ी परेशानी हुई बल्कि वहाँ मार भी खा गया लेकिन क्योंकि तो मलाई नहीं आती थी इसलिए परेशान थी लेकिन मार खाते गाली खाते फिर हमको मलाई अच्छी आने लगी और जब मच्छी मलाई आने लगी फिर कहना ही क्या है फिर पेट्रोल पम्प रहा वहाँ मैं वो यूनियन का सीनियर बन गया तो अच्छी इज्जत होने लगी मलाई अच्छी तरह जानता था तो so, मतलब काफ़ी लोग हम जाने लगे उसके बाद आता जाता रहा सब लोग जाने लगे तो एक हमारे भारत का ये एक गोड़ा जिला एक गोडा ज़िला है वहाँ का एक आदमी होटल चलाता था अच्छा होटल खुला था मैं चला नहीं पाता था उसने कहीं हमारा नाम सुना तो मेरे पास गया तिवारी जी आप मेरे पास चलिए और हमको मैनेजर चाहिए तो हम मैंने कहा यार मैं कुछ जानता नहीं सुनता नहीं तो बोलता बोलता तुम तो जान नहीं तुम्हारा नाम बहुत है दुनिया ये है ऐसा दुनिया उसने कहा खैर मजबूर किया मैं क्या मैंने कहा माल चलो यहाँ बोलता है यहाँ से डेढ़ देख पैसा डेढ़ दूँगा और आपका सब कुछ होगा उसने लालच दिया खैर आ गया उसके बाद आने पर हनुमान होटल उसका नाम था सिंगापुर सिंगा तो आया उसका बिजनेस बहुत ही चलते रहा बड़ा अच्छा जगह था अच्छी तरक्ट हुई और एक साल के अंदर उसका जो कर्जा फर्जा था सब मिल गया <coughs> और मेरा भी नाम हो गया वहाँ काफी लेकिन उसी बीच में मैं हॉलीडे में चला गया इंडिया घर और मेरी वाइफ ने अच्छा उसी टाइम वो सिंगापुर गवर्नमेंट चेंज हो गई थी चेंज होने हो हो वाली थी मतलब ब्रिटिस जा रहे थे वह आज़ाद हो रहा और उसी तरह मैं सिंगापुर चला गया वहाँ गया एक दो महीना रहा तो मेरी वाइफ जो है मेरे पीछे पड़ गई क्यों पीछे भाई मेरा लड़का था सात साल का बादा, बादा। हाँ बोलिए इसको लेके जाओ ये बड़ी हरकत करता ये करता कह मतलब उसका खुद का विचार था कि इसको ले जाएंगे तो हमको जगमार्ग ले जाएंगे लेकिन मेरी इतनी पहुंच नहीं थी बहुत समझाया वाइफ को नहीं मानी तो मैं फिर लड़के अपने सवाल ले गया हवाई अगर हवाई जहाज़ से गया होता शायद काम बन जाता लेकिन हमारे पास पैसा नहीं लग पानी जहाज से पिनांग में जो उनका इमिग्रेशन है उसने रोक दिया बोलता इस लड़के तो ले नहीं जा सकती हो मैंने क्यों नहीं मैंने कहा तो लड़का भी सात साल का है वो बोलता नहीं हमारा कानून बन गया है छः साल के ऊपर का बच्चा नहीं जा सकता और जब मैं था तब तो, तो सोलह साल तो बच्चा जा सकता था हमें पता नहीं कि हम लग... इंडिया में रह गया आठ नौ महीना आठ नौ महीने लगाने से हमने कोई उन्हें हालांकि वो लोग फिर से मैं बोल लड़ाई झगड़ा किया तो जाने दिया लेकिन पासपोर्ट रख लिया हमारा भी उसका भी फिर वो लोग हम कोशिश किया वहाँ की बच्चे को रखने के लिए दो तीन महीने लड़ाई किया लेकिन बाद में उनकी वार्निंग आ गई कि अगर नहीं जाओगे तुम लोग दोनों लो धमझेल दे फिर हमको लड़के के लेके जाना पड़ा इंडिया इंडिया गया वहाँ का महीने रहा फिर लौट के सिंगापुर आया मगर सिंगापुर मेरा मन नहीं, नहीं लगा बहुत मतलब यानी एक साल के अंदर मैं दो तीन बार इंडिया गया लग लगे तो कहाँ से पैसा आए तब वही मैं डिसाइड किया कि भाई कहाँ जाऊँ क्या करूँ तो वही गया ब्रिटिश का जो ब्रिटिश वहाँ बैठा था उस टाइम ब्रिटिश हो गया था उनके ऑफिस गया तो वहाँ कुछ लोग थे जो मुलाईजान थे उनसे बातचीत किया तो बोले भाई देखो अब यदि आज़ाद हो गया यहाँ हमारा कोई अधिकार अब नहीं है तो हाँ अब हम जहाँ तो हम कहा हम कहाँ जाए तो वही बोले उन्हें इतने कि भाई हमारे हाथ में इतना में वो क्या नाम हांगकांग है और उसका नाम नहीं आ रहा बढ़िया बड़ा नाम है यार बड़ा दूर है बेटा वो कैनेडा हाँ कैनेडा नहीं कनेडा नहीं हो ऑस्ट्रेलिया New Zealand, नहीं बिल्कुल अफ्रीका कहाँ एशिया में है वो, अरे बड़ा अच्छा नाम है वहाँ लोग आएगा नाम देखिए अभी सारा नहीं जा रहा नहीं जा। और उन्होंने बताया तो तीन जगह तो हम बोला भाई हांगकांग तो मैं जानता था वहाँ आया गया था तो मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं था तो फिर उसी बार हम बोला कि हम लंदन जाएंगे तो बोलो जाओ जहाँ जाओ उन्होंने कहा जा तुम जाओ तो तुम्हें कोई लिखे नहीं फिर उस टाइम में पता लगाने लगा मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ कहाँ जाऊँ तो थोड़े देर में हमको एक आदमी के पता मिला जो पंजाब का रहने वाला था उसका भाई सिंगापुर था उसने पत्र लिया उससे मैं बात किया बोल रहा कोई चिंता नहीं करो हमने उसको कहा कि हमने अंग्रेजी नहीं आती है कुछ नहीं बोलता कुछ नहीं तुम आओ यहाँ सब आ जाएगा और मैं इस हिसाब से पानी के जहाज से फिर वहाँ से आया जो तेरह दिन के बाद हम फ्रांस पहुँचा फ्रांस में कोई उतार दिया तो मेरा तो ब्रिटिश पार्ट पोड था वक्त बड़े तो हमें तो कोई रोकना नहीं था बाकी लोगों को जो हम आए थे उनको रोक लिया गया पसंद करता था तो हम फिर बड़ी मुश्किल से पहुँचे और वो ट्रेन हमारे हाथ में वो तीन पाउंड हमको मिला था बम्बई में जो कि हमारे काम आ गया वही वही बच्चा था मैं एक पैसा खर्चा नहीं किया विक्टोरिया में जब आया तो किसी आदमी ने हमको टैक्सी ले के दिया और बोला उसको दो पाउंड पचास पैसे दे दे रहा था और मेरे पास तीन पाउंड था हम कहा ठीक है और मैं बुल एक सौ चौदह बुलंद सौ साल में पहुँच गया ये है यहाँ पहुंचने की मेरी लाइफ अब जब मैं बुलंद पहुँच गया तो वो लोग जानते थे कि भाई इसको इंग्लिश नहीं आती है खैर वो दोस्त लेते हो चाहती मैं कभी बियर वो तो पीता नहीं था वो तो उनको बियर पीना शुरू कर दिया सात दिन मैं बैठा था कोई काम नहीं किया लेबर एक्सचेंज में जाके उन्होंने कर दिया तो वहाँ से तो वो मिला और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है फ्राइडे को आप आना आपको तीन पाउंड तीन सिलिंग मिल जाएगी तो मैं आया फिर लेकिन मैं यहाँ कोशिश किया हमको थर्स्ट डे को नौकरी मिल गई मतलब एक एक दिन पहले ही तो हमको इंश्योरेंस कार्ड चाहिए था हमारा जो आदमी बीस साल ले गया वहाँ <laughs> तो उन्होंने इंश्योरेंस <को... laughs> कार्ड बना के दे दिया और सात सात तीन पौन तीन पौन तीन सिलिंग छः पेनी वो टाइम तीन पौन तीन सिलिंग छः पेनी वो मिलता था देख वो हम लिया आया उसके बाद फिर हमको भगवान की जैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और तब से मैं नाइन्टी सेकंड सेकंड मई नाइन्टी सिक्सटी टू में मैं नौकरी में लगा और उसके बाद फिर हम पच्चीस साल एक महीना नौकरी लगातार करता रहा न हम कोई बीमार पड़े न हमें कोई कुछ पड़ा और कंपनी में हमारी बहुत इज्जत थी बहुत इज्जत होती थी और यहाँ लगभग यहाँ साउथ साल लिखा है साउथ साल में तो हमको हर एक बच्चा बच्चा जानता था सुन लो सुनो लेकिन अब तो हम नाइनटी में एट्टी सेवन में यहाँ रिटायर हो गए जो बीस साल हो गया अब तो सब साथी लोग हमारे जोली हम थे तो भगवान के प्यारे हो गए और बाकी सब बच्चे हैं बहुत लोग जानने लगे और फिर मैं बीमार भी रहता हूँ कहीं आता जाता नहीं आया बच्चों से मिला दो चार महीना यहाँ रहा दो चार महीना ये हमारी कहानी है इंडिया से जहाँ कहानी का और क्या बताओ बेटा बस थोड़ा रेस्ट करो बाद ठीक है